फ्रेंड्स, आई एम रजनीकांत। टुडे आई हैव ब्रॉट एन एक्सरसाइज फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो लेट्स सी द एक्सरसाइज एंड सॉल्व इट। डियर गाइस, 9 sentences are visible here on the board. See, the first is, he said to me, which is your book? Second, I said, how long will you stay with us, Rajni? Third, the father said to the child, why don't you speak the truth? Fourth, she said to me, who are you? Where do you come from? Fifth, he said to me, who paid the bill yesterday? Sixth, she said to her husband, when will you leave for your office? Seventh, he said to me, when are you leaving for Delhi? Will you take me along with you? Eighth, the official said to the visitor, what do you want? Do you not know that the office is closed today? And ninth, the old man said to the boy, why are you beating this child? Do you not have any sense of sin? Dear guys, I would solve these one by one. You will also do for yourself and you will check how much of these sentences have you done correct. So let's begin with the exercise. Dear guys, the first, he said to me, which is your book? Which is your book is a question. तो सबसे पहले हम said to को asked में चेंज करेंगे और लिखेंगे he asked me. Dear guys, inverted comma में question question word से शुरू हो रहा है, इसलिए no conjunction is needed from outside. ये question word ही conjunction का काम करेगा और फिर हम इस क्लास को assertive बनाएंगे. Which is your book को which your book is. योर बुक सब्जेक्ट है, इसको पहले कर देंगे, इच वर्ब है उसको बाद में कर देंगे. तो हम लिखेंगे विच गाइस पजेसिव एडजेक्टिव सेकेंड पर्सन का है योर. ये ऑब्जेक्ट मी का जेनिटिव केस बन जाएगा माय. तो योर बुक बन जाएगा माय बुक और इट बन जाएगा वाज और हो जाएगा ही आस्क्ड मी विच माय बुक वाज विच माय बुक वाज. दूसरा नहीं, आई सेड हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस रजनी. डियर गाइस, ही सेड के आई सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन अगर हम गौर करें तो टर्म ऑफ एड्रेस रजनी
रिकॉर्डेड स्पीच के भीतर है और उसे हम बाहर ले आएंगे और लिखेंगे आई सेड टू रजनी। फिर हम सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे तो आई आस्क्ड रजनी, लिखेंगे आई आस्क्ड रजनी। फिर देखिए गाइस हाउ लॉन्ग से ये क्वेश्चन शुरू है, तो हाउ लॉन्ग ही एडजेक्टिव का काम करेगा और इस इंट्रोगेटिव क्लास को हम असर्टिव क्लास में चेंज करेंगे तो यू पहले आ जाएगा और विल बाद में हो जाएगा, तो आपकी असर्टिव क्लास हो जाएगी हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन दस। रजनी को आप रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लगा चुके हैं तो क्वेश्चन मार्क यही हो जाएगा, तो असर्टिव क्लास बन जाएगी हाउ लॉन्ग यू विल स्टे विद अस, और यू को हम टर्म ऑफ एड्रेस रजनी के अनुसार चेंज करेंगे, क्योंकि ये यू नॉमिनेटिव केस में है इसलिए सी में बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू रजनी। तो हम लिखेंगे हाउ लॉन्ग शी वुड स्टे विद अस, क्या लिखेंगे हाउ लॉन्ग वुड से वुड सी स्टे विद अस, और हम लिखेंगे आई आस्क्ड रजनी हाउ लॉन्ग शी वुड स्टे विद अस। तीसरा देखते हैं द फादर सेड टू द चाइल्ड Why don't you speak the truth? Dear guys, सबसे पहले तो said to की जगह पे हम आस्क लगाएंगे और फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है why से, तो why ही कंजंक्शन का काम करेगा। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव क्लास को असर्टिव क्लास में बदलेंगे तो don't you हो जाएगा why you do not, क्या हो जाएगा Why you do not speak the truth, you को हम चेंज करेंगे ये अकॉर्डिंग टू चाइल्ड चेंज होगा और ये ही और सी में से कोई भी हो सकता है, तो हम लिखेंगे Why he did not speak the truth। तो सबसे पहले लिखेंगे The father asked the child. The father asked the child. फिर why conjunction का काम करेगा you चाइल्ड के अकॉर्डिंगली ही में बदल जाएगा और डू नॉट डिड नॉट में बदल जाएगा, तो व्हाई ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। लेट्स सी फोर्थ Yes, fourth है she said to me who are you where do you come from, yes said to को हम ask में बदलेंगे, हम देखेंगे कि reported speech में दो sentence हैं, ये दोनों sentence subordinate clause हैं, इन्हें हम coordinating conjunction and से जोड़ेंगे, दो subordinate clause एक दूसरे के कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं इसलिए हमें इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
एंड से जोड़ना होगा। तो सबसे पहले सी आस्क्ड मी हू आर यू, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव करेंगे तो ये हो जाएगा हु यू आर, और हु कंजंक्शन का काम करेगा प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज के बीच में। तो हम लिखेंगे सी आस्क्ड मी फोर्थ, सी आस्क्ड मी हु, अब ये हो जाएगा हु यू आर, यू का परिवर्तन ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से करेंगे, ए यू नॉमिनेटिव केस में है तो ऑब्जेक्ट मी का नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे, हु आई और आर हो जाएगा वाज, हु आई वाज, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कराएंगे और दूसरे सेंटेंस पे बात करेंगे। दूसरा सेंटेंस है वेयर डू यू कम फ्रॉम, जब हम इसे असर्टिव बनाएंगे तो ये डू कम में आकर के मर्ज हो जाएगा और हो जाएगा वेयर यू कम फ्रॉम, और फिर यू चेंज होके मी के अकॉर्डिंगली आई बन जाएगा तो हो जाएगा वेयर आई और ये कम हो जाएगा केम। तो हम लिखेंगे हु आई वाज एंड वेयर आई केम फ्रॉम, डियर गाइस। चलिए फिफ्थ देखते हैं, तो फिफ्थ है ही सेड टू मी हु पेड द बिल यस्टरडे। तो सबसे पहले हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे और फिफ्थ के आंसर में हम लिखेंगे ही आस्क्ड मी अब आगे देखिए हु पेड द बिल यस्टरडे, पेड ये सेकेंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंगली ये बदल के हो जाएगा हैड पेड पास्ट परफेक्ट, हु कंजंक्शन का काम करेगा और हम लिखेंगे ही आस्क्ड मी हु हैड पेड द बिल लास्ट डे, हु had paid the bill previous day, yesterday को हम चेंज करेंगे the previous day में, sixth day के she said to her husband when will you leave for your office। तो dear guys सबसे पहले said to की जगह पे asked लगाएंगे और लिखेंगे she asked her husband, इसके बाद कामा इनवर्टेड कामा रिमूव करेंगे और इस पार्ट को असर्टिव बनाएंगे, तो असर्टिव बनाने में यू पहले हो जाएगा और विल बाद में हो जाएगा, तो हम पहले यू को चेंज करेंगे या नॉमिनेटिव केस में है ऑब्जेक्ट हर हस्बैंड के हिसाब से चेंज होगा, तो ये हो जाएगा ही, विल हो जाएगा वुड और ये यूर योर वे हर हस्बैंड के अकॉर्डिंगली चेंज होगा और यह हो जाएगा हिज। तो हम लिखेंगे सी आस्क्ड हर हस्बैंड
सिक्स देखिए, सी आस्क्ड हर हस्बैंड, इसके बाद गाइज कंजंक्शन लगाएंगे व्हेन, फिर यू को चेंज करेंगे ही, विल चेंज हो जाएगा वुड में, व्हेन ही वुड लीव फॉर हिज ऑफिस, फॉर हिज ऑफिस, डिरेक्ट सेवेंथ देखते हैं, तो सेवेंथ है ही सेड टू मी व्हेन आर यू लीविंग फॉर ही विल यू टेक मी अलोंग विद यू। डियर गाइस सबसे पहले हम सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे और लिखेंगे ही आस्क्ड मी, फिर पहला इंट्रोगेटिव क्वेश्चन व्हेन से शुरू हो रहा है, वेन ही कंजंक्शन का काम करेगा और वेन यू आर यू लिविंग फॉर डेलही में यू को पहले कर देंगे और आर को बाद में कर देंगे, तो हमारी इंट्रोगेटिव क्लॉज असर्टिव क्लॉज में चेंज हो जाएगी और हम लिख अब लिविंग फॉर डेलही। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, ये सहायक क्रिया से शुरू है, ये दोनों सबॉर्डिनेटिंग सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जुड़ेंगे एंड से, और फिर ये प्रिंसिपल क्लॉज होंगे सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज के लिए, क्योंकि ये ऑक्सिलरी से शुरू है तो हमें इफ या वेदर कंजंक्शन के रूप में लगाना होगा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे ही आस्क्ड मी, सेवेंथ देखिए, सबसे पहले लिखेंगे ही आस्क्ड मी। डियर गाइस इसके बाद व्हेन कंजंक्शन का काम करेगा, ये देखिए यू नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और ये मी का नॉमिनेटिव केस यहां आ जाएगा आई, आर हो जाएगा वाज, तो ये हो जाएगा व्हेन आर वाज लिविंग फॉर डेली, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज लिविंग फॉर डेली, अब ये एक सबॉर्डिनेटिंग सेंटेंस था, इसमें जब हम सबॉर्डिनेटिंग सेंटेंस जोड़ेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे एंड, और फिर ध्यान दीजिएगा ही आस्क्ड मी को हम जोड़ेंगे विल यू टेक मी अलोंग विद यू से, तो विल यू टेक मी हो जाएगा यू विल टेक मी, तो पहले तो हम सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे इफ इफ, अब फिर देखिए यू यू को हम चेंज करेंगे मी के नॉमिनेटिव केस से व्हेन आई इफ आई विल हो जाएगा वुड इफ आई वुड टेक, अब ये देखिए मी ये फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में, तो हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हिम लगा देंगे इफ आई वुड टेक हिम अलोंग विद डेवेंस, देखिए यू ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम मी का ऑब्जेक्टिव केस यानी मी ही इस्तेमाल करेंगे अलोंग विद मी। डियर गाइस चलिए आठवां देखते हैं,
it is written. What do you want? Do you not know that the office is closed today? तो सबसे पहले डियर गाइस हम से टू को आस में चेंज करेंगे और हम लिखेंगे द ऑफिशियल आस द विजिटर. आठवां है हम लिखेंगे द ऑफिशियल आस्क्ड द विजिटर. What do you want? ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो क्वेश्चन वर्ड ही इसमें कंजंक्शन का काम करेगा. और फिर हम इस क्लास को जब असर्टिव बनाएंगे तो डू जो है वांट में मर्ड हो जाएगा और ये बन जाएगा व्हाट यू वांट. फिर देखिए यू को हम विजिटर के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे. विजिटर का फर्स्ट पर्सन लगाएंगे ही तो ये हो जाएगा व्हाट ही और वांट हो जाएगा वांटेड. तो हम लिखेंगे द ऑफिशियल आस्क्ड द विजिटर व्हाट ही वांटेड. What he wanted. अब देखिए गाइस ये दोनों सेंटेंसेस को हम एंड से जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेंगे. दो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एक दूसरे के कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ेंगे. तो हम सबसे पहले लिखेंगे एंड और फिर देखिए ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इस प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ेगा तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा. और चूंकि ये डू से शुरू है सहायक क्रिया से इसलिए कंजंक्शन लगेगा इफ एंड इफ. आगे देखिए डू यू नॉट नो असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा यू डू नॉट नो. यू जो है वो ऑब्जेक्ट विजिटर के हिसाब से चेंज होगा तो ही हो जाएगा. अब डू नॉट नो बन जाएगा डिड नॉट नो एंड इफ ही डिड नॉट नो and if he did not know that office is जो है ये was हो जाएगा, office was closed today जो है वो that day हो जाएगा, office was closed that day. तो लिखेंगे If he did not know that office was closed that day. There is last but not least. देखते हैं. The old man said to the boy. तो सबसे पहले हम से टू को आस्क में चेंज करेंगे और हम लिखेंगे द ओल्ड मैन आस्क्ड द बॉय. तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाइन्थ के लिए द ओल्ड मैन आस्क्ड द बॉय. फिर देखिए Why are you beating this child? इसे हम असर्टिव बनाएंगे तो यह हो जाएगा Why you are beating this child? फिर you को हम चेंज करेंगे the boy के अनुसार तो हो जाएगा he और are beating हो जाएगा was beating. तो यह बन जाएगा the old man asked the boy why he was beating This child बन जाएगा that child. तो हम लिखेंगे the old man asked the boy why he was beating why he was
beat him, that child. Will they get your eyes? एक और सेंटेंस इसमें है इन्वर्टेड कॉमा के भीतर. डू यू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ शेम. ये सारे क्रिया से शुरू है. तो पहली बात ये दो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का प्रयोग करेंगे. तो पहले लिख ही देते हैं और फिर देखिए इस प्रिंसिपल क्लॉज को इस सबॉर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए चूंकि ये सारे क्रिया से शुरू है तो हम कंजंक्शन इफ का प्रयोग करेंगे. एंड इफ अब इस क्लॉज को हम असर्टिव क्लॉज बनाएंगे तो डू आकर के यू के बाद लग जाएगा. यू डू नॉट हैव यू चेंज होगा बॉय के हिसाब से ही और डू नॉट हैव बन जाएगा डिड नॉट हैव. इफ ही डिड नॉट हैव इफ ही डिड नॉट हैव एनी सेंस ऑफ सेम एनी सेंस ऑफ शेम. तो डियर गाइस होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. एंड बाय द वे इफ एनीथिंग यू कुड नॉट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड आई वुड गिव यू ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.